अथ हल संधि प्रकरणम। इसके बाद हल संधि प्रकरण आरंभ होता है। अथ संधि के अनंतर हल संधि, अथ शब्द अनंतर अर्थ में मंगलवाचक भी हो सकता है, आरंभवाचक भी हो सकता है। हलो हलाम व हल निमित्तकम व संधि हल संधि। एक दूसरे हल के आमने सामने होने पर जो संधि होता है, यह हल निमित्तक जो संधि होता है, यह हलों को लेकर के जो तीन भी हो सकते हैं, आप पीछे हल है, आप बीच में हल और आगे हल है, तीनों को लेकर के भी संधि है यहाँ प्रक्रिया। इसलिए हल निमित्तकम एक ही हल में जा रहे हैं, अंत्य हल में सीधे हम कर दे रहे हैं, तो हल संधि कहा जाएगा। दो हलों का बीच में हो तो भी, तीन को लेकर के हो रहा है तो भी, हल निमित्तक हलो हलाम वाह संधि हल संधि, हल संदेह प्रकरण में दी हल संधि प्रकरण। हल संधि विषय क्या प्रकरण, स्तौश्चुनाश्चुः स्तौश्चुनाश्चुः, पहला सूत्र तीन पद वाला है। स्तौः षष्ठी का द्विवचन, चुना तृतीया का एक वचन, चुहु प्रथमा का एक वचन। सकार चवर्गयो शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः, तृतीया विभक्ति आई यहाँ पर योग अर्थ में सह अर्थ में, जैसे वहां पर पहले आपने ना आदरंत्य ना सहेता सह शब्द वा था, यहाँ सह शब्द नहीं है, लेकिन तृतीया जो आई है सह का योग में ही समझना, तभी अर्थ निकलेगा योगे, नहीं तो कर्ण अर्थ निकलेगा, कर्णक ऐसे कैसे अर्थ निकलेगा, फिर घटेगा ही नहीं पंक्ति में अर्थ। इसलिए वह सह के योग में ही वह सहयुक्त अप्रधान है, अप्रधान में ही होता है, और अप्रधान हमेशा कौन सा होता है, निमित्त होता है, कि प्रधान बुद्ध वस्तु होता है यहां हमेशा संधि प्रकरण में आदेश, तदनंतर है वह आदेश जिस पर हो रहा है उसमें भी अत्यंत समीप होने से भी प्रधान मान लिया, आदेश और स्थानीय इन दोनों में प्रधानत्व मानी गई, और निमित्त हमेशा अप्रधान होता है, इसलिए अप्रधान वाचक चू के साथ में सह का योग में तृतीय भक्ति से चुनाव बन गया। दृष्टांत देते हैं, हरिश्चेत रामश्चिनोति, या रामश्चिनोति सकार का योग में चकार, सकार और चकार का यहां संबंध जोड़ दिया, चकार के योग में सकार तुम चुत करने जा रहे हैं, इसे ज्ञापन कर दिया स्तोश्चुनाश्चु में आदे स्थानी और निमित्त के बीच में यथासंख्य नहीं है, नहीं तो सकार को शकार आदेश होगा, शकार के प्रत्यय से करना पड़ेगा ना, चवर्ग को चवर्ग आदेश होगा, चवर्ग के प्रत्यय हुए ऐसा करना पड़ेगा, यथासंख्य लगा दोगे तो, फिर सकार को चवर्ग के प्रत्यय हुए शकार आदेश नहीं होगा। इन दृष्टांत स्पष्ट हो गया, और प्रयोग भी बहुत पाणिनी का है सूत्रों में, ये स्पष्ट हो जाता है कि निमित्त और कार्य के बीच में यथासंगी कभी नहीं लगता, किंतु स्थानीय और आदेश के बीच में ही यथासंगी लगता है। सचित शारंगिन जय, शारंगिन जय, यहां जगह ज के प्रत्यय में नकार को नकार कर दी, यहां है कि नहीं, यथासंख्य नहीं, यह भी स्पष्ट हो रहा है। टीका में देखिए, स्तौश चुनाश्चो सच पुश्च इति समाहार द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व स्तौ कैसे हो गया, पुंस्त्वम मार्षम जो पुल्लिंग हुआ है वार्ष, नहीं तो इतने इधर द्वंद करो, ये निर्णय कैसे हो जाएगा, इसलिए कहते पुल्लिंग आर्ष करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने इधर द्वंद करो, क्यों समाहार द्वंद में क्या हो गया, एक वचन होना चाहिए ना, तो नहीं बन सकता, फिर एक वचन होगा नपुंसकलिंग होगा वो, इसलिए करें यहां पर पुंस तो आर्ष मान लीजिए, नहीं इतर तुम मान लीजिए, तथा सती एक वचन मार्षम, फिर एक वचन क्यों हुआ, फिर तो द्विवचन होना चाहिए, द्विवचन क्यों नहीं हुआ, स्तू का स्तोह एक वचन प्रयोग ना, स्तोह होना चाहिए, क्या बनेगा स्तोह, इसे विष्णु का विष्णुओह, वो नहीं बनाया, द्विवचन नहीं है, एक वचन प्रयोग कर दिया, ये कैसा हो गया, इतर तुम होगा तो वह एक वचन मार्षम,
नपुंसक लिंग एक वचन होना चाहिए यदि आपने समार्थ द्वंद करोगे तो, और पुल्लिंग द्विवचन होना चाहिए यदि आप इधर द्वंद करते हैं तो। ये विपरीत दिख रहा है यहाँ, ये आर्ष होने के नाते एवं शुनाश्चुरित्रापि, इसी पर शुना में भी एक वचन है, शुभ्याम होना चाहिए है ना, और आगे चूह में भी है ना, चू ही होना चाहिए, चू चवा हरी हरी हरया विष्णु विष्णु विष्णवा जैसी च ना गुण करेगा आवाज कर दे। सुना इति सह अर्थे तृतीया, देखो कर सुना में भी सह का योग में ही तृतीया समझना, योगे अध्यारम, इसलिए उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए योगे को वृत्तिकार ने अध्याहार कर लिया। तथा सह शब्द योगा भावेपि, भले सूत्र में सह शब्द का योग नहीं है फिर भी तदर्थ से गम्यता वार्तिया पर बोध्य होने के नाते तृतीया युज्यते, तृतीया करना उचित ही है। अस्मादेव निर्देशात, इस सूत्र में यह निर्देश जो हुआ है तृतीया, इसी से ज्ञापन हो रहे बात है। तदाह सकार तवर्गयोर इत्यादि ना अत्र स्थानीय आदेशानां यथासंख्यं भवति, स्थानीय और आदेश के बीच में ही यथासंख्य लगेगा। तथा सकार से सकार तवर्ग से चवर्ग आदेश तत्रापि तत्तदन्नानां क्रमेण च च जयां इति फलितं भवति, इत्यादि क्रमस्यापि अनादि लोक सिद्धत्वा, माने क्रम कहाँ से लें यथासंख्य करने के लिए, च च च जयां कहते हैं, यह क्रम तो कहीं पानी नहीं तो पड़ा नहीं, न चौदह सूत्र में क्रम है, कहां से आ गया क्रम, कहते अनादि लोक सिद्ध है यह क्रम, इस पाणिनि व्याकरण के द्वारा स्थापित करने की जरूरत नहीं है ना, पाणिनि व्याकरण उतने ही के लिए कर रहा है ना, जब भाषा में विकृति है उसे रोकने के लिए, भाषा तो पहले से ही है, जब भाषा पहले से ही है तो वर्ण भी पहले से ही है, इनका क्रम भी चवर्ग तवर्ग टवर्ग इत्यादि क्रम भी पहले से ही है, इसलिए कुछ टुप्पू का जो क्रम वगैरह यह वाला हम लोग जो बोलते हैं ये सारे क्रम अनादि सिद्ध है, लोक तो एवं अनादि सिद्धत्व अनादि लोक सिद्धत्व चुना योगी तित्र नैतासंग तित्र सूत्र वक्षत है, ये सात सूत्र में स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो सूत्र बनाने की जरूरत नहीं सात की, ये दृष्टांत क्या दिया, विष्ण विष्ण स को न के प्रति प्राप्त ही नहीं तब फिर क्यों विधान कर रहे हैं सात में, विष्ण प्रश्न दृष्टांत है ना वहां जो योग में, क्योंकि यथासंग वहां भी लगा दोगे नकार को दंत नकार को किसके योग में फिर होगा अस्तित्व, यहाँ का योग में ही होना चाहिए अन्य का योग में नहीं होना चाहिए, जो श का योग में नकार को यहाँ होना प्राप्त ही नहीं है फिर सात सूत्र आरंभ क्यों करना है, वो ज्ञापन करता है निमित्त में यथासंग नहीं लगता, ये आगे अगला सूत्र में और स्पष्ट करेंगे। राम शेती राम शेत स्थिति सकारण योगा सकार सकार से सुना योगी तित्र नेता वित्तस्य प्रयोजन दर्शित सकार सकार योगे भी अनुदाहरती, सुना योगे में कोई यथासंग लगाना नहीं सकता, इस बात ज्ञापन करने को प्रयोजन बता रहे हैं कि सकार का स्थान में सकार आदेश चकार का योग में भी करने जा रहे हैं। रामश्चिनोती रामश्चिनोती स्थित है चवर्ग योग सकार से सकार से सुना योगी तित्राप यथासंग के आश्रय तो यह सकार से सकार योग भावात सकारो न भवती इति भाव से यह आपत्ति होती, सच्चिदिति सच्चिदिति स्थित है स्तुत्व से सिद्धत्व जस्त्व ने तकार से दत्व तस्य स्तुत्व ने चकारे खरीचे चर्त्व तस्य चकारे च रूपम उस चकार का रूप बना दिया। शारंगीन जयति स्थित है चवर्ग योगात नकार से स्तुत्व यकार नीचे कोई विशेष नहीं है, एक चीज बात स्पष्ट है यहाँ वो देख लो केवल दूसरी पंक्ति इसी पन्ने 122 में अत्र स्थान्यादिशु यथासंख्यम निमित्त कार्यनोस्तु न, ये अधिक बोला है ना, निमित्त कार्यनोस्तु न, निमित्त और स्थानी का बीच में कभी यथासंख्य नहीं लगता। सात ज्ञापका यथासंख्य सूत्र में यह नोपन्यस्ता स्थानांतर इत्यनेना भी इष्ट सिद्ध है नात्यंत आवश्यकता, यथासंख्य सूत्र में क्यों नहीं लिया, कहते स्थानांतर से भी यहाँ इष्ट सिद्धि हो सकती है यह मान करके यथासंग सूत्र यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है। सात
पंचमी के एक वचन, शास्त्र से तवर से चित्तम ना सिया, तालव शकार। और यहां भी योग का मतलब यही समझना, पर में होना जरूरी नहीं, तो शब्द भी करते। मैं चुना क्यों बोला, चौ नहीं बोला, चौ करके सप्तमी करते तो हम परमात्र मानते निमित्त को। इन्हें पूर्व निमित्त में भी होगा, पर निमित्त में भी होगा, कहीं भी निमित्त मिल जाए हो जाए। इसे शब पूर्व निमित्त मानकर श से परे सात चवर तवर्ग हो तो उसके जगह पर चवर्ग आदेश हो जाएगा। विश न जो प्राप्त था तो सुना सुना वह नहीं होगा, ये सूत्र विधान करेगा, निषेध करेगा। न अनुवृत्ति आ रहा है तो का भी अनुवृत्ति करेंगे, तवर्ग से कर देना। चू में भी चू लाया केवल, वो जो सामर्थ्यात लाएंगे। इन अनुवृत्ति तो का कहां से आएगा बताएंगे, तो सुनाशु से लाना पड़ेगा। विष्टा प्रश्न काफी विचार है, इसलिए इसको देखते हैं पहले। शास न पदांत इति पूर्व सूत्रात न इत्यनुवृत्ति, इसे पहले 8:4:42 में न पदांतात तोरणाम सूत्र है ना, न पदांतात तोरणाम नाम नवद नगरी दिवाचम गिवा पर भी वहां से ना को लिया। और इसे पूर्व सूत्र वास्तव में तोशी 44 है, तोशी है 43, तोशी है 43 और 42 था न पदांत तोरणाम, अगले पन्ने में अंत में है न पदांत तोरणाम। तो 42 से न को लाया और 43 से तोशी से तो ला सकते थे, नहीं लाया तोशी से, क्यों नहीं लाया? और स्तोष चुनाव चुके स्तो समास है, समास के टुकड़ा को ला रहे हैं अलग करके, ऐसे क्यों कर रहे हैं? कारण यह है, आपको पहले बोल चुका है स्वरित अधिकार, जिसके स्वरित नहीं है उसका अनुवृत्ति नहीं होगा। या तोशी में जो तो है यदि भी आवे पूर्व सूत्र में है लेकिन स्वरित नहीं था, इसलिए वहां से अनुवृत्ति नहीं होगी। वहां स्वृत्ति इसलिए उसका अनुवृत्ति, वहां तो पदार्थ पदार्थ नहीं होती, न तो देखो देश नियम पुराना चाहिए स्तो पूरा, केवल तो को कैसे लाया आपने? क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते है, न्याय है, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते है। इस परिभाषा के आधार पर जो एक देश की भी अनुवृत्ति हो गई, इस बता रहे इति पूर्व सूत्र नैति अनुवर्तते स्तो चुनाचितः तोरिति चुरिति च अनुवर्तते न तो सकार शकारश्च, सकार और शकार के अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं थी। शादित दिग्योगे पंचमी परसित अध्याहार्यं तदा शात परसित्यादि। विष्टा प्रश्न कैसे बनता है? विच्छ गतौ धातु है, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, इस उससे नंग प्रत्यय हुआ। छोषुड़ो नासिके च सूत्र से छस्य शह गित्ता न गुण है, नंग क्या है गित है, जो गुणाधिकारी नहीं हुआ, विष वैसे के वैसे रह गए, विच का विष हो गया। अत्र सकार योगात तवर्गीय नकारस्य स्थित्वेन यकारे प्राप्ते निषेधः। पूर्व सूत्र है चुनायोगी तत्रापि यथासंज्ञा आसरणे तु यः तवर्गीयस्य नस्य चुनायोगा भावेन चुत्वस्य अप्रसक्तया तन्निषेधो व्यर्थस्य। ये ज्ञापन कर दिया निमित्त का स्थान के साथ यथासंज्ञा, क्योंकि प्राप्ति नहीं होगा नहीं तो, क्योंकि है ना पूर्व सूत्र में जो कहा चुनाव योगे, यदि वहां यथासंज्ञा हम लगा देते हैं तब क्या होगा कि तवर्गीय को जो कौन है तवर्गीय नकार, उसको चू का योग मिल नहीं रहा, क्योंकि क्या मिला योग या श, तो चू का योग ना होने से चुत्व की अप्रसक्तया प्राप्त ही नहीं है, तो तन निषेध व्यर्थ से उसका निषेध करना व्यर्थ हो जाता है। एवं चस्मादेव निषेधात पूर्व सूत्र, इस निषेध से यह ज्ञापन हो रहा है क्या पूर्व सूत्र में चुनाव योगी चित्र न यथासंख्याशरण विद्यायते, यह बोध करा दिया गया। प्रश्न प्रच्छ जिप्साया पूर्वत यहां पर भी नंगादि होकर रूप बना, अत्र ग्रहित इतना ही सूत्र अंतर है, इस संप्रसारण न प्रश्न च आसन्न काले इत्यादि निर्देशा। नंग गित था ना, गित दोनों का संप्रसारण होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है रूढ़ी शब्द है ये, कुछ प्रक्रिया हमें नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कदे प्रश्न च आसन्न काले सूत्र में स्वयं पाणिनि ने प्रश्न बिना संप्रसारण की रह को प्रयोग किए हैं। अत्र वर्ग पंचमानाम
नासिका स्थानाधिक्येपि तत्तद् वर्गीयैरस्ति सावर्ण्यमिति तुल्यास सूत्रे अवोचाम। वर्ग के पंचम वर्णों में यदि भी नासिका स्थान रूपी आधिक्यता हो है, फिर भी स्थान साम्यता के लिए हमें क्या कहा था, होंड से अंदर कारक तक लेना, नाक को छोड़ देना, ये कह दिया था। इसलिए तत्तद् वर्गीयों के साथ में अस्ति सावर्ण्यमिति तुल्यास सूत्रे अवोचाम, इस बात तुल्य सूत्र हम पूर्व में ही कह चुके हैं। विचार तत्व में विस्तार है, काफी शास्त्रार्थ करेंगे। देखिए शात में जाइए सीधे, नेति तोरिति च अनुवर्तते तदाहत वर्गस्य इत्यादि जस्तम इत्यादि व्याख्यात निर्देश है। निसंदिग्धत्वेन बोधनाय वर्षति सत्वं जस्तं च न कृतम्। कहते हैं सत्व जस्त आदि क्यों नहीं किया आपने, कहते ये असंदेह निसंदिग्धता के लिए किया गया। तथा शुत्तम अपि न कृतम्, शुत्त भी नहीं किया गया है। परिहार संभवाद वर्गांत्यम एव उदारती, इसीलिए इस प्रकार से आप स्पष्टार्थम कह करके असंदेहार्थम कह करके टाल सकते थे, इसे जान करने पंचम का दिया विषय न। बाकी मैं कह सकते ना क्यों नहीं हुआ, चुत वगैरह चुत होता फिर उसे जस्त कर देते कुछ और ही रूप हो जाएगा उसका, तो यहाँ सोचना चो लगा है ये भी क्या पता चलेगा किसी को, प्रक्रिया में खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा दृष्टांत लो जहां पर और आगे कोई प्रक्रिया होने की संभावना नहीं। विस्तार प्रश्न इसलिए दिया, बाकी जो सूत्र तो ऊपर पढ़ लिया आपने। ननु से शुरू किया अगला पंक्ति पन्ने में दूसरी पंक्ति, ननु यमंगणानां नासिकास्थान आधिक्यात् वर्गेषु आद्येषु चतुर्विशः तुल्यस्थानत्वभावेन सावर्ण्यभावात् स्तोश्चुना इति स्तु शब्देन नकारो न गृह्यते। आपने नकार का दृष्टांत गलत दिया कि तू कहने से न आएगा ही नहीं, क्यों नकार में तू कहने से त त द ध चार आएगा, नकार नहीं आएगा, क्यों त त द ध परस्पर स्थान के साथ सत्य तो है, इन नकार में अनुनासिकता रूपी नासिका रूपी अधिक स्थान। तब वहां पर वर्णन दिया था नासिका को हम स्थान नहीं मानेंगे, वहां नासिका को धर्म मात्र उच्चारण के धर्म मानेंगे। धर्म और स्थान दो अलग चीज को लेकर यहाँ शास्त्रार्थ करेंगे आप, कहां मानना चाहिए धर्म कहां मानना चाहिए स्थान। तुल्य स्थानत्व भावेन सावर्ण्य भावात् स्तोश्चुना इति तू शब्द नकारो न क्रियते, तू शब्द के नकार ग्रहण नहीं होता है, किंतु स्ववर्गाद्यश्चत्वार एव अपने अपने वर्ग के आदि चार ही परस्पर एक दूसरे के जो है सवर्ण संज्ञा होंगे, ऐसे यदि मान लोगे तो विष्ट प्रश्न इत्यत्र शुत्व प्रसक्त है कि मने नीचे देना इति चेत अत्र हो। तो यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निषेध करने के आरंभ करना व्यर्थ हो गया, क्या प्रयोजन है। तब जवाब में कहते न आहो शात इति निषेधा लिंगेदा, इस निषेध ही सबसे बड़ा लिंग है, हेतु है निर्णय ले रहे कि नासिका को छोड़ करके ही यथासंगीत स्थान अंतरतम स्थान ले देख के लिए हमें क्या तुल्य सूत्र से नासिका को छोड़ के केवल तालवाज स्थानों को ही लेकर के सवर्ण संज्ञा मानेंगे। तो विचार करेंगे फिर दो तीन जो ज्ञापक कैसे बनेगा, शास्त्र से आपने एक ज्ञापन पहले बताया, क्या बताया शास्त्र क्या ज्ञापन किया था, अभी निमित्त और स्थानी का बीच में था संख्य नहीं लगेगा, ये ज्ञापन किया ना। और अब आप गा रहे नहीं नहीं तो सवर्ण संज्ञा का ज्ञापन कर रहा है, सवर्ण संज्ञा के लिए तुल्या से प्रयत्न मन नाक को छोड़ के स्थान साम्यता देखता है, दो बात में कैसे ज्ञापन कर दिए कहीं सूत्र, या तो निमित्त कार्य कहता संज्ञा नहीं है इसके ज्ञापन करेगा, या तो तुल्या से प्रयत्न में स्थान साम्यता का निर्णय देने के लिए ज्ञापन करेगा शास्त्र। तब सिद्धांत पूछेगा दोनों ज्ञापन एक से हो तो आपत्ति क्या है आपको, ये कोई नियम है क्या, एक से एक ही बात का ज्ञापन हो जाए दूसरे का ज्ञापन नहीं होना चाहिए है। अरे एक सूत्र से अनेक अर्थ बोध करा दिया पाणी ने उसकी मानता है, हाँ एक सूत्र अनेक जो चरितार्थ हो जाना वो एक अलग चीज है, एक सूत्र एक जगह चरितार्थ हो गया अपवाद सूत्र भी चरितार्थ हो जाए वो भी बाद में उत्सर्ग हो जाता है, यहाँ चरितार्थता की बात नहीं हो रही है, विशेष अर्थ का ज्ञापन करने की बात हम कर रहे हैं। एक ही सूत्र अनेक अर्थ का ज्ञापन करावे तो भी कोई आपत्ति नहीं, ये बात सिद्ध करने के लिए शास्त्र उठा रही है। शांति निषेधाद लिंगादेव तुल्या से प्रतिमित्यत्र
आशी ग्रहणेन नासिका स्थान भिन्नम तालवादि स्थान गृह्यते तत्स्थान तो तुल्यमेव इति तू शब्देन पंचमस्य अभिग्रहणात्। और वह जो स्थान है यहाँ पर कौन है, दंत स्थान है तवर्ग में, त त द ध ये चारों का दंत है, और नकार का भी नासिकांश छोड़ देंगे तो वो भी दंत है, इसे समान हो गया, समान शरण संज्ञा हो जाएगी। पंचमस्य अभिग्रहणात् शुद्ध प्रसक्तो निषेधोऽयम् आवश्यकः एवञ्च तोरलीति तु शब्देन नकारस्य अभिग्रहणात्। इसीलिए वह भी लाभ मिलेगा हमें तोरली में, विद्वान लिखति नकार को अनुनासिक लकार आदेश कर देंगे, इसे तू शब्द है नकार से पे ग्रहणात्, वहां भी तू तो है ना, तोड़ ली तो से हम यदि आप चारी ग्रहण करते नकारांत का दृष्टांत ही नहीं सकते, नकार को लकार को तो कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण होने से विद्वान लिख दी इत्यादि सिद्धति। न च निमित्त कारिण और यथासंख्या निरास अज्ञापकम इतुक्तत्वात् तेन ही विचारत्वत्वे कथमुक्तार्थ क्या हुए इतना वाच्य आगे न पार। जब यह सूत्र निमित्त और कार्य का बीच यथासंख्य नहीं होता इस बात को ज्ञापन करके उसकी जो है बल क्षीण हो गया मान लो, तो वही सूत्र एक और अर्थ का भी ज्ञापन कर रहा है, तुल्य से प्रत्यय में भी काम करने लग जावे, ये तो उचित नहीं है ऐसा इति न वाच्यम ऐसे मत कहो। क्यों, तू शब्द नकार ग्रहण सिद्धे ही यथासंख्य निवृत्तिर अनेन ज्ञापनिया इति उभय ज्ञापने बाद का भावात्। कहते दोनों बातों का ज्ञापन करने में कोई बाधक नहीं है यहां, नकार के ग्रहण करने में और यथासंग का निषेध करने में, नकार ग्रहण किसे कर रहे हैं तुल्य से प्रकरण से और यथासंग का निषेध भी कर रहे हैं, ये दोनों बात का ज्ञापन करने में कोई बाधक वास्तव में नहीं है। नापि तुल्यास इत्यत्र यति स्थान तुल्यत्व विवक्षायां वर्गेषु पञ्चापि वर्णाः परस्परम सवर्णा भवेयुरिति उक्त उदाहरणे शुद्ध प्रसक्तो शादित्यारभ्य आवश्यक इति एतद् ज्ञापकाश्रयणम् किमर्थम इति नवाच्यम्। अरे आप वही तुल्यास प्रकरण में इतना ही बात कह देते भाई यत किंच स्थान तुल्यता मात्र से सवर्ण संज्ञा होगी, उधर से काम चल जाएगा, इस सूत्र से इस बात को ज्ञापन कर क्या जरूरत रह जाएगा। यत किंच स्थान साम्यता कहने से नकारों का यमंगण अनम का नासिका स्थान और दो दो स्थान मानने पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं स्वर्ण संज्ञा करने में, यत्किंच स्थान स्थान तो सदृश ही है दंतांश में हो ही जाएगा, ये वहां पर आप याव स्थान सामने मान करके और नाक को अलग कर दिया इसीलिए इतना लफड़ा करने क्या जरूरत। पूर्व पक्षी कहता है यत्किंच स्थान साम्यता से ही आप वहां तुल्यास प्रकरण में काम कर दो, अपना पंचमण ग्रहण हो ही जाएगा, इसलिए इस सूत्र को केवल फिर क्या होगा निमित्त और स्थानिक विचार संख्य नहीं है, एक ही ज्ञापन के लिए काम आएगा, तब दो दो बातें ज्ञापन करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये पूर्व पक्ष का कहना है। तुल्यास सूत्र में किंच स्थान साम्यता विवक्षा करने पर वर्गों में पांचों में ही परस्पर क्या हो जाएगा वर सवर्ण संख्या हो जाएगा, उक्त उदाहरण में शुद्ध प्रसक्ति अपने आप प्राप्त हो ही गया, तो शास जो है इसका आरंभ का आवश्यक जो है इत्यादि ज्ञाप का आश्रयणम किमर्थम, इसके लिए इसका भी ज्ञापन करने के लिए चीज है यह मानने की क्या जरूरत रह गया। इति न च वाच्यम तथा सती समस्या अत्यत्र आएगा, हाँ यमंगणा नाम परस्पर सावण्य आपत्तिया तम नयसी इत्यादो अनुस्वार से यही परसवर्ण वा पदांत से अनुस्वार से यादयो पिस्यु अनुस्वार को न्यादि आदेश होने लग जाएगा न के परते तम नयसी इत्यादियों में अनुस्वार से यही परसवर्ण लग जाएगा वा पदांत से लग जाएगा यादयो पिस्यु तालवाद स्थान साम्य अभावे भी, क्यों वहां तालवाद स्थान भले ही नहीं है साम्यता किंतु नासिका रूप से यत्किंच स्थान तुल्य नासिका रूपी यत्किंच स्थान तुल्य है ना, क्या अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है नासिका, नकार का उच्चारण भी नासिका, यत्किंच स्थान दृष्टि तो हो ही गई तो अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार और नकार के बीच स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी, जो स्वर्ण संज्ञा होगा पर का सवर्ण आदेश करो बोलेंगे हम अनुस्वार से पर सवर्ण। नापि तुल्यास्यत्वम् अन्योन्यास्यत्वमिति व्याख्यायाम् यादिनां परस्पर सावण्यम् न भवेत्। और ये भी नहीं कहना लेकिन
यदि तुल्यास प्रत्यय तो अन्यून्य माने यावत स्थानी होना चाहिए, थोड़ा सा भी कमी हो फर्क हो तो श्रवण संज्ञा नहीं होगी, पूर्ण रूप में मिलना चाहिए। यदि ऐसा कहेंगे तब तो नासिका रूपी आधिक्यता को लेकर के क्या हो जाएगा, नापी तुल्यासत्वम अन्यून्यासत्वम इति व्याख्यायाम यादि नाम प्रसारण न भवति, फिर यहाँ आदि अंग प्रसन्न श्रवण संज्ञा नहीं होगा, ये नासिका अधिक हो जाएगी। तेषा नासिका स्थान साम्य अपी तालवादि स्थान साम्य भाव है ना, क्योंकि उनके नासिका स्थान अधिक है, अनुस्वार में नासिका स्थान अधिक है नकार में, लेकिन तालवादि स्थान का अभाव है तो न्यून स्थान का त्वाद न्यून स्थान का श्रवण संज्ञा नहीं होगा। ततश्च त्वमने सित्या नाति प्रसंग त्वमने सित्या नतिव्याप्ति नहीं होगी, स्ववर्गाधि सह तो यादि नाम सावण्यम सदेव, और स्ववर्ग के आदिभूता जो है च च ज झ के साथ यहाँ आदि उनकी प्रसन्न संज्ञा तो रहेगा ही। नासिक स्थान आधिक्य अपनी नासिक स्थान अधिक होने पर भी तद न्यून स्थान तेषा मिति विद्वान इत्यादिष्टम सिद्ध्यति, तद न्यून स्थानिकत्व होने के नाते उनकी भी स्वीकार करते हुए विद्वान इत्यादि इष्ट सिद्ध हो जाएगा। वर्ग आद्यान तो नासिका स्थान अभाव है ना, इन वर्ग के आद्यों का क्या होगा परस्पर, वहां चारों में नासिका स्थान ही नहीं तो उनका स्थान नकार के साथ कैसे होगा, यमंगणाम के साथ कैसे, तत्त्व वर्गों के चारों के साथ स्वर्ण संज्ञा होगा। न्यून स्थान पंचमेन च सावण्य अभाव पंचवन स्वर्ण संज्ञा नहीं रहेगी, न क्षति ही ज्ञापकाशन विनयी इष्ट सिद्धि रीति न वाच्यम न वाच्युति या वाच्यम के साथ जोड़ देना, इसलिए वहाँ ज्ञापक आश्रय करके बिना ही ज्ञापक आश्रय की बिना ही इष्ट रूपों की सिद्धि हो जाएगी, कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगा। जब ऐसा पूर्वज कहता है सिद्धांत के देने ही नहीं, ऐसा दृष्टांत दूंगा जहाँ पर गड़बड़ होगा, कहाँ गौरी ये ही इत्यादि श्रवण दीर्घापद्य है, यहाँ श्रवण दीर्घ होने लग जाएगा। कैसे श्रवण दीर्घ हो जाएगा, गौरी में हुआ क्या है, इको असवर्ण शाकल सरस्वस्याप ने किया है, इको असवर्ण यदि शाकल प्रकृति भाव अनापत्यश्च यहाँ राष्ट्र समुचित जो प्रकृति हुई वह भी नहीं होगा, बल्कि हरि गौरी ने ही कार दी एक परते हुए अकसवण हो जाएगा, राष्ट्र समुचित प्रकृति जो हम किए हैं नहीं कर पाएंगे। इकार अन्यून स्थानकत्वेन तस्वर्णत्वाद एकारस्य, इकार के साथ अन्यून स्थान वाला माना जाएगा, स्वर्ण स्वर्णत्वाद एकार के साथ अन्यून स्थान वाला मानकर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्वराणाम भूषणांच विवृतम कर्णम स्मृतम तेभ्योपि विवृता व्यंगौ ताभ्याम वैचौ तथैव च, स्वरादियों में बताया ऊष्म वर्णों का विवृत प्रयत्न है, कर्णम स्मृतम कर्णम ने प्रयत्न स्मृतम तेभ्योपि विवृतौ उनसे भी ज्यादा विवृत कौन है, एंगो उससे भी ज्यादा वृद्ध गौण है, ऐचो तथैव च ये कहा गया है। इसलिए इति वचनात् प्रयत्न भेदेन सावर्ण्य भाव अभ्युगम्य, प्रयत्न भेद हो गया तो स्वर्ण संज्ञा नहीं रह जाएगी, उक्त अनिष्ट वारणे अपि इस आदर उत्कर्ष को वारण करने की कोशिश करने पर भी तद्वस्तु तद्वस्तम इत्यत्र तोरलिति परसवर्ण विधिना दकार सवकार आपत्ते है, भले इस कारिका के आधार पर गौरी ये तो में आप दोष दूर भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ कैसे करो, तद वस्तु तद वस्त्रम दकार को वकार होने लग जाएगा। दंत स्थान साम्य लकार अन्यून स्थान का, दंत स्थान की साम्यता होने से लकार के साथ अन्यून स्थान वाला हो जाएगा, यदि तो वकार से दंतोष्टम अधिकने वकार तो दंतोष्ट है वहां तोष्ट अधिक है, इति समहार निर्देशात समहार निर्देश होने से ओष्ट स्थान स्थान दंत स्थान भिन्नम एव, ओष्ट स्थान दंत स्थान से भिन्न हो जाएगा वो दंतोष्ट स्थान मिति, वकार से लकार सावण्य अभाव वकार का लकार के स्वर्ण संज्ञा नहीं रहेगी, तद्वस्तु इत्यादियों में कोई अतिव्याप्ति नहीं होगा, नाति प्रसंग इति ब्रूषे, यदि आप ऐसा कहोगे तर्री लुग्वा द्व द्व इत्यादि ना दंत्य तंगी विधियमान या सह तस्य लुक अधु वही त्यत्र न स्यात् ये रूप नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने कहा दंत्य का दंत्य वर्ण के प्रति होगा, यहाँ दंत्य कहाँ है, अधु वही में क्या है वही प्रत्यय, वह क्या है आपने कहा
दंतोष्ट, वो अलग ही स्थान है बोल दिया, दंत से अलग है वो। जब अलग है समझो जो दंत के प्रति कार्य हो रहा था वो वकार के प्रति नहीं होना चाहिए, हो गया। इसे आपका मानना उसके पृथक स्थान है, दंत और अष्ट भले समाहार दंत हो गया वो अलग स्थान है, दंत से भिन्न है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसे व्यवस्था करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। किंतु अदुग्ध इत्यादि एव स्यात्, इत्यादि है ना, तथा इत्यादि प्रत्यय प्राप्त है ही, ये नहीं कि यहाँ पर अगति गति कोई गति नहीं, फिर सूत्र बेकार हो, ऐसी बात है, दृष्टान्त है। अन्य प्रत्यय केवल दंत पर में है भी, वहां पर कार्य कर देगा सूत्र। तथा पिपूर्त पिपूरति, यहां भी गड़बड़ होगा, पिपूर्त पिपूरति इत्यादि विधेयमान उदोष्ट पुरुषी उत्तम, विधान क्या कर रहे हैं, उदोष्ट पुरुष या ओष्ट पूर्व में होना चाहिए। और वकार क्या हो जाएगा, ओठ से भिन्न माना जाए ना, दंतोष्ट का अलग ही चीज आप मान रहे हो, वो दंत से भी भिन्न है, केवल ओठ से भी भिन्न है, केवल दंत अलग है, केवल ओष्ठ अलग है, दंतोष्ट का अलग तीसरी चीज आप मान लिए हैं। उस स्थिति में क्या होगा, केवल ओष्ठ के पूर्व जो कार्य विधान किया वह कार्य वकार के रहते हुए नहीं होना चाहिए, ये रूप कैसे बनेंगे। विधीयमान उदोष प्रसिद्धि उत्तम सुसूर्षति, या नहीं होगा, है ना, यहाँ कैसा है, व्री है, ये स्वरी ओष्ठ पूर्व नहीं है, दंतोष्ठ पूर्व है यहाँ, और दंतोष्ठ एक अलग ही स्थान मान लोगे, इसको ओष्ठ पूर्व नहीं माना जाएगा, प्रिया नहीं लगना चाहिए उत्तो इत्यादि न सिया उक्त रीत्या वकार से औष्ठ्यत्ववाद, उससे वकार दंतोष्ठ का अलग ही स्थान है, केवल ओष्ठत्व उसके अंदर नहीं रहेगा। न च वती औष्ठ्यत्व दंतत्व च सती, और दोनों को भी मान लोगे फिर क्या होगा, सेक सृप इत्यादि शोपदेश लक्षण स्विदादी नाम पृथक ग्रहण व्यर्थ। तो शोपदेश प्रकरण कौन है, धात्वादेश से शव को स करते ही नहीं, और किन कहा हम समझेंगे ये शव स्वाभाविक है, ये जहां पर लाक्षणिक है, विभाग कैसे निर्णय होगा, वो निर्णय देने का नाम ही शोपदेश प्रकरण, कार्य का गिनी है ना, स्वदी इत्यादि गिनाया है, इन धातुओं को ही हम शोपदेश मानेंगे, अन्य को शोपदेश नहीं मानेंगे। एक सूत्र नो शोपदेश से न आदेश होता है ना, शोपदेश से अलग है, यहां पर आएगा, यहां नहीं, यहां नहीं आएगा, तीसरे खंड का 86 पृष्ठ में पूरी कार्य करेंगे, सिद्धांत कौमुदी का तीसरा खंड पृष्ठ संख्या 86, लघु में भी दिया कार्य का शोपदेश कार्य का दिया होगा, वही कह दिया सेक सृप इत्यादि सूत्र में शोपदेश लक्षण है, स्विदादी नाम प्रतिग्रहण, स्विदादियों को अलग जो ग्रहण किया व्यर्थ हो जाएगा, यदि वकार को दंत है ही नहीं ना, स्वी को दंत भी नहीं ओष्ठ भी नहीं, अलग ही हम मान लोगे तो तेषां भी दंत्यांत साधित्वात्, कि उनको भी दंत्यांत स्वादी माना गया शोपदेश में, यदि भ्रमितव्यम यदि न भ्रमितव्यम जोड़ दे न तू न च इति न च भ्रमितव्यम दंत्य केवल दंत्ये न तो दंतोष्ट जेपि इत्यादि मूल क्षमणत्वाद, आज स्वयं मूल में कहने वाले दंत शब्द से केवल दंतियों को लिया जाएगा, दंतोष्टज को नहीं लिया जाएगा, ये तो ये मुख्य व्यवस्था हो गया। और दूसरे लोग कुछ लोग ये मानना, ये तो पाणिनि शिक्षा या यम अनुस्वार यो रेव नासिका स्थानत्व कथनाद अन्येषां स्थानम नासिका न भवति, उन्होंने कह दिया साफ साफ यम संज्ञा वाले और अनुस्वार इनकी ही नासिका स्थान होती है, और बाकी यम मने यमंगणनम तक, यम एक प्रत्यय, यम क्या यहां प्रत्यय, हा या वर्ट के आकार से लो यमंगणन के मका, यह वाला भी अनासिक होता है ना, यह वाला भी अनासिक होता है, एक र अधिक आ गया कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्यय तो लेनी वहां से वहां तक, और अनुस्वारों का उन्होंने क्या माना, नासिका स्थान माना है, कथनाद अन्य शाम मने अन्य शाम स्थानम नासिका न भवती, अन्यों का स्थान नासिका नहीं होती है, किंतु अनुनासिकत्वम गुण एव, उनमें क्या फिर अनुनासिकत्व आएगा, अनुनासिकत्व गुण मात्र माने जाए, स्थान नहीं उनका,
नासिक स्थान नहीं उनका गुण मात्र। नासिका व्यापारेण उच्चार्यमाणत्व मात्रेण नासिक स्थानत्व कथने मुख सहिता नासिका इति मुखनासिका है ना, मुखनासिक वचन नासिका सूत्राम देगा, मुख के सहित अनुसार उच्चारण करने से अनुनासिक संज्ञा हो रही है, उतने में से स्थान भी उसके नासिक करने लग जाओ उचित नहीं है। अनुनासिकत्वम गुण एवं, क्यों नासिका व्यापार के द्वारा उच्चारण होने मात्र से ही नासिका स्थानत्व कथने नासिका स्थानत्व स्वीकार करने लगोगे तो तू अकारादि नाम पे उक्त रीत्या नासिका स्थानम, फिर तो अकारादियों का भी नासिका हो जाएगा स्थान, क्योंकि अकारादि में भी नाम क्या मानते हैं ना अनुनासिक और अनुनासिक भेद से तो माना आपने, फिर जितने भी अकारादि हैं अनुनासिक अकारादि उनके भी स्थान नासिका कहना पड़ेगा, ये आपत्ति दिया। तो अकारादि न भी उक्त रीत्या नासिका स्थान भी स्थान निरूपणे तेषाम तद अकथनात् न्यूनता इत्यादि ये तू वदंती, कुछ रहे ऐसे कहते तो उनके भी स्थान जा प्रयत्न आदि का विवेक कर रहे थे, तो अपने सूत्र में उस समय क्यों नहीं बोला इन अकारादियों के ये भी स्थान है नासिका भी स्थान है। आपने गिना है ना, क्या गिना है शुरू किया आपने इचुएशा दैनाम तालो नाम मुर्दा, आपने गिना एक करके वहां गिनाना चाहते भी साथ में अकारादि नाम नासिकाच, आप यमंगणा नाम नासिका च कहा यमंगणा अकारादि नाम च नासिका, ये क्यों नहीं कहा स्थान प्रतिवेक काल में वर्णों के स्थान जब वर्णन कर रहे थे तब अकारादि वर्णों का स्थान अपना अपना कंठ के साथ आदि में नासिका भी है, ये क्यों नहीं कहा ऐसा पूर्व जब कहा तब कहते तेषा मत्र उक्त ज्ञापक आश्रम विनय स्थिति, लेकिन ऐसे मानने वालों के दृष्टिकोण में यह ज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं है, नासिका जब स्थान ही नहीं है तो प्रयत्न है तुल्यास्त्र संज्ञा होने में कोई आपत्ति नहीं, उनका स्थान है नहीं था नासिका, केवल दंत मान लिया आपने यमंगणम का दंत आदि तो अपने स्वर्ण संज्ञा प्राप्त है, ज्ञापन करने की कोई जरूरत नहीं सब शाप से उनके मत। अन्य तो अकाराज नाम नासिकया सर्वदा अनुच्चारणा अनुनासिकत्व गुण, दूसरों का कहना है भाई अकारादियों का उच्चारण जो कर रहे हैं वह सदा ही हम नासिका से नहीं करते ना, जहां वेदों में बताया अनुसरण वहां नासिका करते हैं, और हर एक में अनुनासिका जोड़ने लग जाएंगे लोग हंसेंगे क्या है ऐसे, लोग नाक से ही बोलता है यार, लोग यही तो कहते हैं नाक से बोलता है यमगणाम, क्यों सर्वदा उच्चारण अभाव अनुच्चारण होने से उनमें अनुनासिकत्व गुण माना उन्होंने स्थान नहीं माना, सत्वे निविशते अपैति इत्यादि लक्षण लक्षित तो गुण किसको कहते हैं स्थान किसको कहते हैं या भेद कैसे हो तो गुण वचना सूत्र है ना, वहां गुण का लक्षण किया भाषाकार ने, वहां पर एक है सत्वम इत्यादि सत्वे निविशते अपैति इत्यादि कार्य का यहाँ आएगा आपको इसी में पृष्ठ संख्या 559 559 में यहाँ आपको आने वाला प्रथम खंड में इत्यादि लक्षण के लक्षित होने के नाते उसे गुण मानना चाहिए कोई आपत्ति नहीं है कि कभी और रहता कभी नहीं रहता उसी का नाम गुण है। अब आकार में क्या है कभी हम नासिका का उच्चारण करें कभी नासिका का उच्चारण नहीं कर रहे, इसलिए आकार का स्थान नासिका नहीं मानी जाएगी एक गुण मात्र माना जाएगा, ऐसे उसके लक्षण के आधार पर निर्णय होता है। यमगणनाम तो अनुनासिकत्वम ना पैती, और यमगणन में क्या है जब भी उच्चारण होगा नासिका सहित उच्चारण होगा, विकल्प नहीं है वहां पर, मर्जी नहीं चलती वहां ना पैती इति सर्वदैव तथा उच्चारणाद इति न गुण, सदा ही वैसे उच्चारण होने से वहां यमगणन में जो अनुनासिकत्व है वह गुण नहीं है, किंतु यमानुस्वारयो रिव स्थानमेव नासिका इति स्थान निरूपणे यमानाम नासिका चेत्युक्तम, इसलिए यमानुस्वारयो का स्थान ही मानना पड़ेगा नासिका को, इसे स्थान निरूपण में उन्हीं के साथ कहा गया यमानाम नासिका च कह दिया गया था इत्युक्तम, न तो अकारादिनाम नासिका च, और अकारादिनाम नासिका जैसे नहीं जोड़ा गया यत्युक्तम तुल्यास्त्वम अन्योन्यास्त्वम, जिन लोगों ने कहा था तुल्यास का मतलब अन्यून मैंने पूर्ण रूपेण सादृश्यता होना स्वर्ण संज्ञा के लिए इति व्याख्याया तद्वस्तु इत्यादियों में तोरली दे दकार सवकार प्रसंग इति तद आपात एव आपात तो उन्हें कर दिया, हड़बड़ी में बोल दिया गया
हड़बड़ा करके घबरा कर आदमी जो है यूं ही बोल दिया गलत सलत तोड़ ली चेत्र लकार द्वय निर्देश वास्तव में हम क्या करेंगे वहां तोड़ ली में तोड़ लली है वहां तोड़ ली एक लकार बीच में था लोप हो गया है वो ऐसे कैसे हो गया कहते सुनो तोड़ ली चेत्र लकार द्वय निर्देश स्वीकृत लकार रूपे लकारे पर ऐसा करते हैं लकार रूपी लकार के परते हुए ही प्रसरण होता है व्याख्यायाम उक्त दोषा प्रसंग उक्त दोषा पर लागू नहीं होगा इत्याहो।